गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, टुडे इज़ आर इंग्लिश पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनसीन पैसेज। बच्चों, हम ये पैसेज में से आंसर फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है? इस पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे, फिर उसमें से आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है पैसेज। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर। उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। He was inspired by Gandhiji and joined the Indian National Congress. Gandhiji से प्रेरित होकर उन्होंने Indian National Congress को join किया। He participated in the freedom struggle against the British. उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। He went to jail many times. वो बहुत बार जेल गए। After becoming the first Prime Minister of इंडिया, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद। ही वर्कड हार्ड टू मेक इंडिया अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। उन्होंने बहुत मेहनत करी इंडिया को मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनाने में। हीज ओनली एम वॉज द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर्टी ऑफ इंडिया। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की प्रगति और समृद्धि था। ही इज राइटली कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। ही रोट अ बुक कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया विच शोज हीज स्ट्रॉन्ग लव फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसमें उनका भारत और भारत के लोगों के लिए प्यार झलकता है। बच्चों, अब हम इसमें से ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें उसके आंसर हम इस पैसेज में से फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड जवाहरलाल नेहरू टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। किसने जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया? किसने किया था? गांधी जी ने। तो यहाँ हु की जगह आप क्या लिखेंगे? गांधी जी, ठीक है? यहाँ से फाइंड कीजिए, गांधी जी ने किया था ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरूज एम इन लाइफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का उद्देश्य क्या था? हमने इसमें पढ़ा था ना, क्या था उनका मेन उद्देश्य? इंडिया की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर्टी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरूज एम इन लाइफ, उसके बाद कहाँ से आएगा आपका आंसर? वॉज द प्रॉस्पर्टी एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर्टी ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसमें लिखा था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यहाँ देखिए ही इज राइटली कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? बाकी क्वेश्चन वैसे की वैसे ही रहेगा। बच्चों, इस तरह से अनसीन पैसेज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरा पैराग्राफ दूंगी, उसे आपको अच्छे से रीड करना है और उसमें से आंसर फाइंड करना है। ये आपके एग्जाम में भी आएगा, लेकिन सेम यही नहीं आएगा, दूसरा पैराग्राफ आएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।